कॉलम का नाम किस किस टेबल में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, पहले डाटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। मैं सारे कॉलम्स प्रोवाइड करवा देता हूँ यहाँ पे, इसे हम देख सकते हैं अपने कॉलम का नाम इक्वल टू स्टेटस, इसे हमें स्टेटस फील्ड मिल गया है, बाकी इस टेबल में है इसके लिए हम निकालेंगे इसको स्टार यूजर टेबल्स यूज़ किया है कि अदरवाइज हमारे व्यूज या उसमें से भी डाटा ले आएगा। यूजर ऑब्जेक्ट आईडी इक्वल टू दिस, इसमें यूजर टेबल होता ही है, इसमें हम सारे टेबल्स के नाम देते हैं कि इस टेबल में हमारा ही फील्ड है, इस चलता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।